हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज टू कंडक्टिंग वायर एक्स एंड वाई आर सो बिलो द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई इज 3 टाइम दैट इन एक्स। दैट द जॉइन इन द सीरीज अक्रॉस ए बाउंड्री, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू वायर। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट की अपने बात करें तो की कॉन्सेप्ट के अंदर अपने पास आ जाएगा, देखिए, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट स्पीड, या इस चीज को अपने क्या है, वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब जो चीज अपने को क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं। देखिए, वायर दिए गए हैं, तो फर्स्ट वायर है वो अपने पास एक्स है, जिसका डायमीटर भी अपने को दिया गया है कि क्या है, स्मॉल डी है। फिर अपने को सेकंड वायर जो कि वाई की फॉर्म में दिया गया है, वाई है, और इसका जो डायमीटर है वो अपने को कितना दिया गया है, स्मॉल 2d। ठीक है, इन दोनों को क्या है, देखिए, सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं एक बैंड्री से, इन दोनों को एक बैंड्री से जोड़ते हैं, और वो भी किसमें, सीरीज में। तब अपने को इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उनका अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अपने क्या जानते हैं कि जब अपने सीरीज में किसी भी वायर को जॉइंट करते हैं तो अपने जानते हैं कि उस सर्किट के अंदर जो अपना करंट रहता है वो अपने पास क्या रहता है, इक्वल रहता है। करंट अपने पास क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि सीरीज में जॉइन के कारण अपने वायर एक्स में अगर करंट है अपना आई एक्स है, तो वाई में अपने पास क्या होगा, आई वाई रहेगा। जो दोनों का जो मान है वो क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। अब देखिए, किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब अपने करंट की बात करते हैं तो अपने पास करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, करंट आई जो है वो किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एन जो होता है वो अपने पास क्या होता है, एन जो होता है वो अपने पास होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, ई जो होता है अपने पास वो अपने पास क्या होता है, ई अपने पास क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की अपने बात करें तो एन अपने पास क्या होती है, नम या अपने बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए की बात करें तो ए अपने पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इसे अपने एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वी डी अपने पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखें तो आई एक्स है वो क्या है, आई वाई के इक्वल है। तो दोनों के लिए अपने यहाँ पे रखें तो देखिए, आई एक्स जो है वो इक्वल टू आई वाई है। ठीक है, अब अपने आई एक्स के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए, एन एक्स हो जाएगा, ई अपने पास चार्ज, क्या क्या होता है, चार्ज होता है, तो ये ई होएगा। एरिया जो है वो ए एक्स की फॉर्म में आएगा, और इसकी जो वेलोसिटी है तो वो अपने क्या कर देंगे, वी एक्स कर देंगे। ठीक है, ये इक्वल रहेगी वाई के, वाई के लिए क्या हो जाएगा, एन वाई, ई अपने पास चार्ज है, ई अपने पास एरिया है, तो ये हो जाएगा ए वाई, और वी अपने पास वाई का है तो वी वाई रहेगा। ठीक है, अब देखिए, कैंसिल क्या होता है, अपने जानते हैं कि चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो चीज क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में अपने को कहा है, एक बार अपने क्वेश्चन देखें तो देखिए, अपने को कहा है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई इज 3 टाइम दैट इन एक्स, यानी वाई की जो डेंसिटी है, एन वाई जो है वो क्या है, 3 टाइम ऑफ एक्स, यानी एन एक्स की क्या है, सॉरी सॉरी स्मॉल एन आएगा, तो स्मॉल एन एक्स की क्या है, 3 टाइम है, या आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए, अपने पास क्या है, अपने को दिया गया है कि जो एन वाई है वो 3 टाइम ऑफ एन एक्स है। ठीक है, एरिया की बात करें तो देखिए, एरिया के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपने जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, किसी भी वायर के लिए। ठीक है, तो अब अपने फर्स्ट वायर की बात करते हैं, वायर फर्स्ट, वायर एक्स। ठीक है, वायर एक्स की बात करें तो एरिया अपने पास क्या आएगा, देखिए, पाई आर स्क्वेयर। आर यहाँ पे अपने को दी गई है कि डेंसिटी अपने पास क्या थी, डी थी, तो अपने पास इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2। तो एरिया इसका क्या आ जाएगा, देखिए, पाई आर की जगह जगह अपने वैल्यू रख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वेयर। तो इसका एरिया अपने पास क्या आ जाएगा, पाई d² / 4। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं वायर सेकंड की। देखिए, वायर सेकंड में क्या होएगा, या कहें कि वायर वाई में क्या होएगा, तो
इसका एरिया अपने पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे इसके जो डायमीटर है वो अपने को क्या दिया गया था, 2d, तो इसकी जो आर है वो क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो अपने पास ए क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वेयर। ठीक है, दोनों की वैल्यू है वो अपने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या होएगा, अपना फॉर्मूला था एन एक्स ए एक्स बी एक्स किसके इक्वल है, एन वाई ए वाई और बी वाई। एन एक्स की जगह एक बार अपने एन एक्स रख लेते हैं ए एक्स। देखिए ए एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, पाई डी स्क्वेयर बाई फोर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर इंटू अपने पास क्या है, वी एक्स किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए एन वाई एरिया अपने पास क्या था, पाई डी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वेयर इंटू में अपने पास वी वाई। अब यहाँ पे देखिए जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, पाई डी स्क्वेयर से पाई डी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास वैल्यू है वो क्या आ गई, एन एक्स वी एक्स डिवाइड बाई फोर किसके इक्वल आ गया, एन वाई इंटू वी वाई। अब एन वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एन एक्स वी एक्स डिवाइड बाई फोर किसके इक्वल आ गया, देखिए एन वाई, एन वाई अपने पास क्या था, 3 टाइम, तो 3 टाइम, तो इसका मतलब 3 एन एक्स और ये अपने पास क्या है, वी एक्स। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, देखिए एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट, तो अपने पास वी एक्स यहाँ से अपने को दिख रहा है कि वी एक्स बटा अपने क्या करें, ये सॉरी वी वाई था, वी वाई, ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए 4 इस साइड जाएगा तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 अपने पास 12 होता है। तो वी एक्स बटा वी वाई का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 4:1, ये अपने कहे कि 4:1 की फॉर्म में अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टू वायर, तो एक्स एंड वाई के रूप में देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12:1, या अपने कहें कि 12:1, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। थैंक यू।